खैर इस बीच पैनल में पालविया साहब जुड़ते हुए। पालविया साहब गुड मॉर्निंग। पालविया साहब आज का पहले टॉप कॉल, अच्छा मैंने आपके नाम का बिल फाड़ रखा है, कुछ देर बाद आपसे रिक्वेस्टेड है कि वो इलेक्शन सिलेक्शन का एक बढ़िया सा पोजिशनल पिक भी लेकर आना है आपको, आपसे नहीं मैंने टीज कर दिया है। खैर आज का टॉप कॉल पालविया साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जो स्टॉक पसंद आ रहा है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो है हिंद पेट्रो। स्टॉक में देखे तो एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है स्टॉक में। स्टॉक में एक जिस तरीके से डेली वीकली चार्ट से एक ब्रेकआउट बनते हुए दिखा, हमें लगता है हिंद पेट्रो में यहाँ से मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 525-530 तक की अपसाइड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल से बाय किया जा सकता है, स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 500 रुपए के आसपास। तो हिंद पेट्रो एचपीसीएल फ्यूचर पे बाय करने की सलाह। बहेती साहब ने आईओसी खरीदवाया पहले, और पालविया साहब और गौरांग सर को स्क्रीन पर रखिएगा। पालविया साहब आइडिया बेसिकली है इलेक्शन सामने खड़े, वर्डिक्ट 4 जून को आएगा, स्टॉक मार्केट भी ड्यूली रिएक्ट कर रहा होगा, ऐसे में नॉट नेसेसरली 4 जून तक का, अपने मतलब है महीने, 2 महीने, 3 महीने, इस टाइम होराइजन के लिहाज से कोई बढ़िया सी पोजिशनल पिक हो तो बताइए। तो देखिए आशीष जी, हमें लगता है कि मेटल क्षेत्र में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ और वहीं पे हमारी नजर है। वेदांता हमारे स्टॉक रहेगा यहाँ पे। वेदांता को अगर हम देखें तो मई 2022 के बाद अब ये स्टॉक मंथली बेसिस पे 400 पार की क्लोजिंग करते हुए दिख रहा है। तो 2 साल के बाद स्टॉक ने अब 400 का लेवल क्रॉस किया है, तो 400 पार की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है वेदांता के लिए। और हमें लगता है जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ ये यहाँ पे, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोजिशनली ये स्टॉक के टारगेट 450-460 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन थ्रू आउट द मंथ देखने को मिली है वेदांता में, और जिस तरीके के रोल ओवर डेटा है मेटल स्पेस पे, हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू होते हुए दिखे। तो 1 से 2 महीने में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 450 तक के अपसाइड वेदांता में आते हुए दिखे। करंट लेवल से बाय किया जा सकता है, छोटी मोटी गिरावट में ऐड करें, 385 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। वेदांता क्या मूव्स आ रहे हैं स्टॉक में, पालिया साहब कह रहे हैं पोजिशनली 450 की कर रहा है तैयारी, खरीद लीजिए। गौरांग सर टाटा पावर। पालिया जी आपके पे क्विक सिंगल्स में। अनुज जी फार्मा स्पेस पे यहाँ पे फोकस है, और उसमें लगता है अरविंदो फार्मा में जिस तरीके से मोमेंटम बना है, ये 4th कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक में हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे, तो ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट डेली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिखा है। अरविंदो फार्मा फ्यूचर्स में अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1190-1200 की तरफ, स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1155 के आसपास। ओके, तो 1200 की तरफ ऑरो फार्मा जाता हुआ नजर आएगा। ये अपनी चाल को थोड़ा सा रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। राजेश पालविया, कोई ट्रेड लेने के पक्ष में रहेंगे क्या आप 4100 के ऊपर एमसीएक्स में, या फिर रहने दें? देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है स्टॉक का, जरूर एक दबाव है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे स्टॉक में अगर डिप मिलती है टुवर्ड्स 4050-4020 के आसपास, ये एक अच्छा लेवल होगा वापस से एमसीएक्स में री इंटर करने के लिए। ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है बुलिश साइड में, जब तक ये स्टॉक 4000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है व्यू बुलिश रहेगा, और जैसे ही वापस हायर साइड पे 4140 के लेवल क्रॉस करेगा स्टॉक, तो यहाँ पे मोमेंटम वापस एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 4250-4300 की तरफ। तो डिप्स अगर मिलती है तो बिल्कुल उसको अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करना चाहिए, बाय करना चाहिए। ओके अच्छा, एक बार जरा अब एफएनएस सुपरस्टार के लिए राजेश पालवे के पास चलते हैं। राजेश जी आपकी ट्रेड। तो जी फोकस में ऑटोमोबाइल स्पेस ही है, और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे एस्कॉर्ट्स कुबोटा पे फोकस करना चाहिए। ये स्टॉक में जिस तरीके से कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, यहाँ पे हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सेलरेट होते हुए दिखेगा। 34-40 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये स्टॉक यहाँ पे एक्सिबिट करते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से छोटी मोटी डिप में ऐड करें, 3350 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। बिकॉज एबीबी इंडिया में भी वॉल्यूम पिकअप इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है 6630 के लेवल्स यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। राजेश पालविया, नजर गई क्या आपकी एबीबी इंडिया पर? हर्षदा जी स्ट्रांग मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है स्टॉक में, अगर हम देखें तो पिछले 5 दिन के एक नैरो प्राइस रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है। ओवरऑल स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, स्टॉक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे, तो यहाँ पे यस लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। करंट लेवल से 6590 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें, और अपसाइड में हमें लगता है 6700 की तरफ स्टॉक में मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। ओके मीनवाइल चलिए अब चलते हैं राजेश पालवे के पास। राजेश जी आपके दो पिक्स।
पलू जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो आरईसी लिमिटेड पसंद आ रहा है। स्टॉक में देखे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखने को मिला है। कल से ही देखे तो पीएफसी आरईसी में एक मोमेंटम बना हुआ था और आज एक कैरी फॉरवर्ड बाइंग यहाँ पे आते हुए दिख रही है। आरईसी लिमिटेड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 490 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। 490-95 के टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करें और स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 473 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है बैंकिंग स्पेस से और उसमें हमें लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। यहाँ पे जिस तरीके से फॉर्मेशन बने बैंक ऑफ बड़ौदा में, हमें लगता है ये मोमेंटम 285 से 288 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 274 के आसपास। ओके।